नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम दीक्षित, मेरे चैनल टेक टिप्स एंड ट्रिक्स में दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बरसीम चारा की खेती के बारे में। ये एक ऐसा चारा है जो महज 150 दिनों के अंदर तैयार हो करके आपको कम से कम नहीं तो 14 लाख रुपये की दोस्तों कमाई करवाता है। बरसीम चारा बहुत ही शानदार और बहुत ही बेशकीमती दोस्तों खेती है बरसीम चारे की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बरसीम चारे की खेती के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों बताने वाला हूं। तो बने रहिए आज के हमारे इस पूरे वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल का बटन उसको जरूर दबा दीजिए, इससे मेरे हर एक वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। वीडियोज़ पसंद आते तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हो, मैं आपको बताता हूँ बरसीम चारे की खेती के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ये इसकी जो क्वालिटी है वो है पशुओं को इसको खिलाया जाता है। क्यों? ये पशुओं के दूध जो उत्पादन की जो क्षमता है उसमें लगभग 40% की बढ़ोतरी करता है बरसीम चारा। इसलिए मार्केट में भी दोस्तों इसकी आपको ज़बरदस्त कीमत देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चारा माना जाता है। ये जो दुधारू जो पशु होते हैं उनकी दूध की जो क्षमता को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। कई सारे लोग इसके गाँव में खेती भी कर रहे हैं। अब जो लोग डेयरी वगैरह काम करते हैं, इनके भैंस और गाय हैं जो दूध वगैरह बेचने का काम करते हैं, तो बरसीम चारे की दोस्तों कम से कम नहीं तो 1 एकड़ में दोस्तों खेती तो करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये गारंटी देता है इस बात की, अगर आप अपने पशुओं को ये खिलाना शुरू करते हैं बरसीम चारा, तो 100% उनकी दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और कई सारे जो पशु आहार बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं, कपिला पशु आहार है और भी बहुत सी जो इस तरह की पशु आहार बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उनको भी आप सीधे तौर पर बरसीम चारा बेचकर लाखों करोड़ों रुपए की दोस्तों कमाई कर सकती हैं। एक ऐसी खेती है जिसकी मार्केट में हमेशा से ही डिमांड रहती है, अभी भी है और आगे भी जा कर के दोस्तों रहेगी, क्योंकि पशुओं की डिमांड इतनी नहीं है मार्केट में। इस तरह के प्रोडक्टों की ज़्यादा डिमांड है जो आपके पशुओं को हमेशा स्वस्थ रखती हैं। कहीं ना कहीं आपके ही खान पान की वजह से उनकी जो दूध देने की क्षमता वो कम हो जाती है या वातावरण उनका चेंज हो जाता है उस वजह से। लेकिन बरसीम चारे के अंदर जो क्वालिटी है, जो आप किसी भी तरह की पशु को अगर आप खिलाना शुरू करते हैं तो 15 दिन के बाद आप उसकी दूध की जो उत्पादन क्षमता है उसमें लगभग 40% की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। चाहे तो आप इसके बारे में टेस्ट जरूर कर लीजिए। इसलिए पशु आहार बनाने वाली कंपनियाँ इस चीज़ को दोस्तों हाथों हाथ खरीदते हैं। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ हैं, इसलिए वो मार्केट में दोस्तों इसको बेच नहीं पाए थे। उनको इस बारे में पता नहीं किस तरीके दोस्तों खेती होती। बेहद आसान है दोस्तों इसकी खेती। अब मार्केट से इसके बरसीम चारे के बीज आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, या पौधे भी दोस्तों इसके बड़े आसानी से आपको मार्केट से उपलब्ध हो जाएंगे। चारा है दोस्तों, एक बार आप इसकी बुवाई शुरू कर देते तो ऑटोमेटिक दोस्तों इसकी खेती होना शुरू हो जाती है। किसी तरह की हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमको खाद डालना है, ये डालना है, वो डालना है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार बीज लगा दीजिए आप, अपने आप दोस्तों इसकी खेती तैयार होगी। बस एक चीज़ का आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें सिंचाई की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बरसीम चारे की खेती के बारे में सोच रहे हैं और करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया और शानदार दोस्तों खेती है। बेहद कम समय में आपको लखपति बनाने की दोस्तों गारंटी दी थी। अगर आप 2 से 3 एकड़ में इसकी खेती कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, कम से कम आपकी जो कमाई होगी वो कम से कम 1 करोड़ रुपए की कमाई होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर, अगर आप 3 एकड़ में इसकी खेती की शुरुआत करते हैं तो। मैं अभी इसकी मार्केट में आपको कीमत बताने वाला हूँ और कितनी प्रति एकड़ दोस्तों इसकी पैदावार होती है वो भी अभी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। कहीं ना कहीं एक अच्छी खेती है, कम समय में तैयार होने वाली खेती। बस विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि सिंचाई की इसमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको जो इसकी सिंचाई करना है वो हर 2 दिन में एक बार आपको सिंचाई दोस्तों इसकी करना है, यानी कि महीने में आपको 15 दिन दोस्तों इसकी सिंचाई ज़रूर करना है, 2 दिन छोड़ करके। एक ऐसी खेती है जो बेहद कम समय में तैयार हो रही है, लेकिन आपको बेचने का भी दोस्तों किसी तरह कोई झंझट नहीं है। आप चाहे तो जो डेयरी वाले लोग हैं उनको भी आप डायरेक्ट संपर्क करके उनको भी बेच सकते हैं। जैसा कि मैं अपने हरेक वीडियोस में बताता हूँ कि इंडिया मार्ट के नाम से जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको इस तरह की खेती खरीदने वाले लोग मिल जाएंगे। नाम, नंबर, एड्रेस के साथ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उनसे कॉन्टैक्ट करके भी आप सीधे तौर पर इस तरह की फसल बेच सकते हैं। खुद पशु आहार बनाने वाली आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी खुद की, अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं और लाखों नहीं दोस्तों करोड़ों रुपए की कमाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी पैदावार के बारे में आपको बता देता हूँ। लगभग जो आपके इसकी जो प्रति एकड़ जो इसकी पैदावार होती है वो लगभग होती है 1400 क्विंटल से लेकर 2600 क्विंटल
प्रति एकड़ दोस्तों इसकी आराम से पैदावार होती है, कहीं से कहीं तक दोस्तों दिक्कत नहीं है। अगर आप पानी दोस्तों कम सिंचाई करते हैं तो 1400 कुंटल मान के चलिए, नहीं तो 2000 कुंटल से ऊपर ही दोस्तों इसकी पैदावार आराम से होती है प्रति एकड़ में। मार्केट में जो अभी इसकी कीमत चल रही है लगभग 1200 रुपये कुंटल से लेकर 1800 रुपये कुंटल चल रही है। अगर आपकी दोस्तों 2000 कुंटल भी दोस्तों पैदावार होती है तो 1800 रुपये कुंटल के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आपकी दोस्तों इनकम हज़ारों में हो रही है, लाखों में हो रही है या करोड़ों रुपये में हो रही है, जैसे कि आज की इस वीडियो को दोस्तों मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ उसमें कितने बीजों की ज़रूरत पड़ती है। आपको प्रति एकड़ लगभग 45 किलो बीजों की ज़रूरत पड़ती है, बस 45 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। पैदावार जो इसकी है वो 1400 कुंटल से लेकर 2600 कुंटल तक है। मार्केट जो अभी इसकी कीमत चल रही है वो 1200 रुपये कुंटल से लेकर 1800 रुपये कुंटल चल रही है। बस सिर्फ इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिंचाई की आपको सम टाइम टू टाइम दोस्तों इसकी सिंचाई करना पड़ेगी। हर 2 दिन में एक बार आपको इसकी सिंचाई करना पड़ेगी, यानी कि आपको 7 दिन में 3 बार दोस्तों इसकी सिंचाई करना पड़ेगी। बस इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गोबर की खाद का दोस्तों इस्तेमाल कर लें तो ये समझ लीजिए कि सुबह अल्लाह हो जाएगा फिर तो आपकी खेती का। गोबर की खाद की का दोस्तों जरूर विशेष रूप से इस्तेमाल कर लीजिए और गौमूत्र का थोड़ा सा छिड़काव आप करते रहिए हर 7 दिन के अंदर। महज 3 महीने की तो बात ही है, बस 3 महीने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको नोट गिनना और कुछ नहीं करना है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया दोस्तों खेती है बरसीम चारे की खेती, जो बेहद कम समय में बेहद कम लागत में तैयार होने वाली ऐसी खेती है जो कम समय में आपको लखपति बनाने की दोस्तों गारंटी देती है। अगर आप प्रति एकड़ भी दोस्तों इसकी पैदावार करते हैं तो इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, प्रति एकड़ अगर आप इसकी खेती करते हैं तो 14 से लेकर 16 लाख रुपये की कमाई तो आपकी गारंटीड होना ही है। इस बात की गारंटी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ और चाहे तो आप इसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया बरसीम चारे की खेती के बारे में। बेशकीमती चारा है जो पशुओं के दूधों की उत्पादन की जो क्षमता बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा पशु आहार बनाने वाली कंपनियों को बेचकर भी आप एक मोटी कमाई कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी खुद की पशु आहार बनाने वाली कंपनी भी दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। और चाहे तो गाँव में भी आप जो भी लोग डेयरी वगैरह का काम कर रहे हैं उनको गारंटी के साथ कह करके इसकी खेती को बेच सकते हैं कि आपकी जो पशु हैं उनकी दूध उत्पादन की क्षमता 40% तक दोस्तों बढ़ेगी। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार दोस्तों खेती है बरसीम चारे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास ही में जो बेल का बटन उसको जरूर दबा दीजिए, इससे मेरे हर एक वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। नमस्कार, जय श्री राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।